हेलो बच्चों, तो आज हम आ गए हैं अपनी नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो बच्चों, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जैसे आपने एक मशीन खरीदा, अब मशीन समझिए आपने 2 साल यूज़ किया, तो मशीन का 2 साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। और अगर आपने जाके मशीन को बेचा तो डेप्रिसिएशन निकालने के बाद, उसको घटाने के बाद ही आप मशीन बेच सकते हैं, उसके पहले मशीन नहीं बिकता है। समझिए, अगर आपने मशीन खरीदा 1 लाख का, तो वो बिकेगा सिर्फ 40 से 30 हज़ार रुपये का ही। बच्चों, लैंड का डेप्रिसिएशन कभी नहीं होता है, मशीन से होगा, ये सब का ही डेप्रिसिएशन निकलता है। तो बच्चों, डेप्रिसिएशन का 3 मेथड होता है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो स्ट्रेट लाइन का बच्चों 3 ठो नाम है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और डिमिनिशिंग बैलेंस का ही बच्चों 3 नाम है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। अब प्रोडक्शन मेथड बच्चों फार्मूला के बेसिस पे होता है। स्ट्रेट लाइन का बच्चों मतलब होता है कि समझिए, अगर आपका डेप्रिसिएशन 10% दिया है तो वो एक ही नंबर पे निकलेगा। समझिए, 40,000 का 10% निकालना है तो ऑलवेज डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में 4,000 ही होगा, मगर डिमिनिशिंग में वैसा नहीं है। डिमिनिशिंग में हर बार डेप्रिसिएशन हर अमाउंट पे निकलेगा, वो मैं आपको आगे वीडियो में समझा दूंगा। तो चलिए अब समझते हैं प्रोडक्शन यूनिट मेथड कैसे होता है। उसका फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू बाई टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ एसेट इंटू आउटपुट ऑफ द ईयर। तो बच्चों, कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब एसेट का दाम कितना है, स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू कितना है, और फिर एक्सेप्टेड आउटपुट ऑफ द एसेट मतलब कितना आउटपुट एक्सेप्ट किया जा रहा है एसेट से, फिर कितना साल का एसेट यूज किया गया है। तो चलिए बच्चे, हम आपको एक सवाल सॉल्व करके बताते हैं। तो बच्चों, आपको समझाते हैं कि एग्जांपल से कि प्रोडक्शन यूनिट मेथड कैसे करते हैं। तो एग्जांपल पहले पढ़ लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2023 एनपीएस लिमिटेड परचेज अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 1,65,000, मतलब मशीन खरीदा गया है 1,65,000 रुपए में और एक्सेप्टेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 6 ईयर्स, मतलब लाइफ का ईयर है, सॉरी बच्चों मशीन का ईयर है 6 साल, विद स्क्रैप वैल्यू ऑफ 3,000 रुपए। टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ ऑफ द मशीन इज 72,000 यूनिट्स। द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन वेयर 2020 से 2021 12,800 यूनिट, 21 से 22 14,600 यूनिट, 22 से 23 11,200 यूनिट्स। फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन फॉर ईच ऑफ 3 ईयर्स। तो बच्चों, प्रोडक्शन मेथड में कैसे करते हैं, चलिए फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स मतलब 1,65,000 दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ एसेट। रेसिडुअल वैल्यू बच्चों कितना दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू दोनों एक ही होता है, तो कितना है 3,000। और टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ एसेट कितना दिया हुआ बच्चों, 72,000। और आउटपुट ऑफ द ईयर बच्चों कितना दिया हुआ है, 12,800 यूनिट इस साल का। तो चलिए बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, डी इक्वल्स टू वी माइनस एस बाई एन। तो क्या होगा बच्चों, इधर कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था, 1,65,000 माइनस 3,000 बाई 72,000 इंटू 12,800। तो बच्चों, आंसर कैसे निकालेंगे, 1,62,000 डिवाइड बाई 72,000 इंटू 12,800। तो बच्चों कितना आया, 28,800। तो होगा डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर 28,800। अब बच्चों निकालते हैं डेप्रिसिएशन दूसरा साल का, डेप्रिसिएशन ऑफ 2021 टू 2022, तो इसमें भी क्या होगा, डी इक्वल टू वी माइनस एस बाई एन। तो क्या लिखेंगे, 1,65,000 माइनस 3,000 बाई 72,000 इंटू 14,800। तो बच्चों अब ये कैसे निकालेंगे, 1,62,000 बाई 72,000 इंटू 14,800। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1,62,000 डिवाइड बाई 72,000 इंटू 14,800 कितना है बच्चों, 3,300। तो क्या लिखेंगे ये दूसरा साल का डेप्रिसिएशन, 3,300। बच्चों अब तीसरा साल का डेप्रिसिएशन भी निकाल लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ 2022 एंड 23। तो इसका भी क्या होगा, डी इक्वल टू वी माइनस एस बाई एन।
ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्या, 165,000 माइनस 3,000 बाई 72,000 इंटू 11,200, तो बच्चों कितना होगा, 162,000 बाई 72,000 इंटू 11,200। बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं, 162,000 डिवाइड बाई 72,000 इंटू 11,200, बच्चों कितना है, 25,200। तो बच्चों थर्ड साल का डिप्रिसिएशन हुआ 25,200। तो बच्चों अब दूसरा मेथड समझते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, द बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन ऑफ ए फर्म शोज 200,000 ऑन 1 जनवरी 2022, फाइंड आउट द डिप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर्स। तो बच्चों समझाते हैं कि डिप्रिसिएशन निकलेगा कैसे। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे 2000, तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। अब बच्चों कितने परसेंट होगा, 10% होगा, तो यहां पे लिखेंगे 200,000, 200,000 का 10% बच्चों कितना होगा, 20,000 रुपया। तो बच्चों यहां कितना आएगा, 1,80,000। अब बच्चों दूसरा साल का ही बोला है, तो लिखेंगे 2023 लेस डेप्रिसिएशन, बच्चों कितना लिखेंगे, 10%, और इसमें अमाउंट सेम उतर जाएगा, कितना, 20,000 रुपया। तो बच्चों कितना आएगा, 1,60,000। तो बच्चों अब आते हैं हमारे तीसरे मेथड में, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, द बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन ऑफ ए फर्म शोज 200,000 ऑन 1 जनवरी 2022, फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर्स ऑन 10% पर एनम। तो बच्चों डेप्रिसिएशन अब कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेस डेप्रिसिएशन 10%, कितना है, 200,000 का बच्चों 10% कितना होगा, 20,000 रुपया। तो अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 1,80,000। फिर लिखेंगे 2023, क्योंकि बच्चों ये दूसरा साल है, तो लेस डेप्रिसिएशन 10%। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि सेम अमाउंट नहीं आएगा, बच्चों इसमें अलग अमाउंट आएगा, मतलब ये कितना होगा, 18,000 रुपया। तो बच्चों नीचे कितना आएगा, 1,62,000। तो बच्चों समझ जाना है कि स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि जो यहाँ उतरा वही सब में उतरेगा, मगर इसमें जो अमाउंट है उसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन निकलेगा। अगर यहाँ बोलता 3 साल का निकालेंगे तो फिर इस पे 10% निकालते, ना कि इस पे और ना कि इस पे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जिसमें आपको समझाएंगे डेप्रिसिएशन का नया प्रॉब्लम बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से।